हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं आपको लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं और क्या पर्पज होता है इसका और किस तरीके से निकालेंगे और किस IAS कोड का हेल्प लेंगे जिसकी मदद से आप लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये जो लिक्विड लिमिट है ये देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि ये एपरेटस है, इसे मैकेनिकल एपरेटस और कैसा ग्रैंड एपरेटस भी बोलते हैं। और लिक्विड लिमिट, जैसे मैं पूछता हूँ अगर लिक्विड लिमिट क्या है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं आपको पहले एक डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ इसकी। लिक्विड लिमिट मतलब वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल फ्लो करे, मगर फ्लो करे तो इतना भी फ्लो नहीं करे तो जिसमें उसकी शेयर रेजिस्टेंस बिल्कुल खो दे, मतलब उसका शेयर रेजिस्टेंस भी हो और वो फ्लो भी करे, तो वो मिनिमम वाटर कंटेंट चाहिए हमें, तो वही लिक्विड लिमिट होगी उसकी। मतलब एज ए डिफाइन करना हो तो वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल फ्लो करे और उसमें शेयर रेजिस्टेंस भी रहे, ठीक है। जैसे तो लिक्विड लिमिट निकालने के लिए जैसे मैंने बताया आपको, ये एपरेटस है मैकेनिकल एपरेटस, इसे कैसा ग्रैंडे एपरेटस भी कहते हैं। अब इसमें इधर ये आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप टेस्ट करने के लिए, सॉइल सैंपल लेंगे 120 ग्राम 425 माइक्रोन की सीप से सीप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास कई टाइप के यहाँ पे सैंपल हैं, क्ले सैंपल भी है, सैंडी सैंपल भी है, तो हम क्ले सैंपल का ले रहे हैं थोड़ा और इसे 425 माइक्रोन से सीप कर रहे हैं 120 ग्राम। तो अब हमने 425 माइक्रोन के सीप से सीप कर लिया है, 120 ग्राम सैंपल ले लिया है। कुछ पॉइंट्स और हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप ये जो देख रहे हैं, हम इसको जो रोटेट कर रहे हैं, एच पर IAS कोड क्या बोलता है कि एक सेकंड में दो इसके ब्लोज हो जाने चाहिए, आपको इतनी स्पीड से इसको घुमाना है। प्लस जो इसमें आप जो सैंपल लेंगे वो 1 सेंटीमीटर डेप्थ में होना चाहिए। प्लस जब आप इसको बॉबिंग करेंगे और जब आपस में आके जब दो कांटेक्ट करेंगे तो वो 12 mm कम से कम मिलना चाहिए कांटेक्ट। और प्लस और इसकी जो रीडिंग की जो रेंज है वो 15 से 35% के बीच में, मतलब ब्लोज में आनी चाहिए। अगर आपकी 15 से कम ब्लोज हैं और 35 से ज़्यादा ब्लोज हैं तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, आप 15 से 35 का इसका स्टैंडर्ड है, उतने के क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए। फिर सबसे पहले क्या करते हैं, हमने 125 ग्राम सैंपल ले ही लिया, अब इसमें कोई भी एक वाटर कंटेंट पर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, जो कि प्रॉपर मिक्स हो जाए। इसमें हमने क्या किया, सैंपल को ऐसे भर दिया उसको, और इसमें जो इसके बेस से ऊपर तक 10 mm व 1 सेंटीमीटर का गैप रखा, इससे हमने इसको मेजर कर लिया और उसको उस हिसाब से सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे ग्रूविंग करेंगे टाइप ASTM से। तो आप इसे क्या करेंगे, बीचों बीच में से प्रॉपर इसका ग्रूविंग करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अब क्या करेंगे, इसको आप रोटेट कराएंगे और इसको हम सबसे पहले 0-0 पे भी कर लेते हैं। ये आप मेन ये है, आप ये जब भी कर रहे हैं तो आप इसकी इनिशियल रीडिंग नोट करके रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको हम रोटेट कराएंगे दो, देखिए आप यहाँ पे काउंटर अपने आप ऑटोमेटिक चल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मिनिमम जब तक 12 mm मिक्स ना हो जाए तब तक इसको हम काउंट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मिक्स हो चुका है, 12 mm जो मैंने बताया था मिनिमम गैप होना चाहिए वो हो चुका है। तो जो अब ये जो हमारा मिक्स हुआ वो
33 ब्लोज पे हुआ। तो आप जैसे ये देख रहे होंगे, फॉर्मेट देख रहे हैं, हम आपको जूम करके भी दिखा दे रहे हैं जिससे कि आपके बाद में काम में आ जाए, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ ब्लोज आए हमारे वो कितना आया, 33 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा सैंपल वाटर कंटेंट के लिए निकालेंगे। तो 33 ब्लोज आ गए, अब क्या करेंगे, इसका सैंपल लेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, सैंपल निकालने का भी इसका एक प्रोसेस है, इसको क्या करेंगे 90 डिग्री पर आप इसको कट करेंगे ऐसे केक की तरह, और फिर बीच से आप क्या करेंगे सैंपल निकालेंगे। बीच से बीचों बीच क्यों निकाल रहे हैं, आप जैसे इसको हम घुमा रहे थे तो क्या है, वाटर कंटेंट मैक्सिमम कहाँ आएगा, बीचों बीच में आएगा, जो उससे वॉइड से निकलकर। और अगर आप साइड से निकालते हैं तो वहां ऑलरेडी वाटर कंटेंट कम होगा, इसे हम बीच से निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर कोई नहीं जानता है, जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 33 ब्लोज कर लिए। अब यहाँ पर कंटेनर नंबर हमारा जो यहाँ पर देखो इस पे पड़ा हुआ है, कुछ भी डाल सकते हैं आप, हम अपने रिमेम्बर के लिए 0213। एंड अब यहाँ पर क्या है, कंटेनर प्लस बेड सॉइल जो अब हमने डाली, यहाँ पर आप बेड देख पा रहे होंगे, कंटेनर प्लस बेड 62 ग्राम। एंड अब क्या करेंगे, इसे 24 आवर्स के लिए ओवन में रखेंगे, उसका बेड, और प्लस कंटेनर बेड हमने जो पहले ही ले लिया था वो 46 ग्राम था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस टेस्ट को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब 33 आया है, अब इसमें क्या करेंगे, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे जिससे कि और ग्लोज कम आएंगे। तो जैसे मैंने आपको रेंज बताई, इस टेस्ट की रेंज है 15 से 35 के बीच में हमारी होनी चाहिए रेंज। अब इसमें वाटर कंटेंट जैसे बढ़ाते जाएंगे, सपोज दैट यहाँ पे 25 आता है या 30 आता है, 30 आया, फिर उसके बाद 24 आया और 20 आया, तो इस टेस्ट को जो हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं वो नंबर ऑफ ब्लोज 25 स्टैंडर्ड है इसका, आई एस कोड बोलता है 25 नंबर ब्लोज पे ही आप इसका वाटर कंटेंट करेंगे। तो जैसे कि अब हमें यहाँ पे वाटर कंटेंट पता चल जाएगा ओवन के बाद, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ ब्लोज रखेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे वाटर कंटेंट रखेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे 33 आया, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट में 29 आ जाता है, यहाँ 24 आ जाता है, यहाँ 20 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या नंबर ऑफ ब्लोज जो भी आ रहे हैं और इन पे जो भी वाटर कंटेंट आ रहा है, तो जो 25 पर आएगा नंबर ऑफ, तो यहाँ पर 25 ब्लोज पे जो भी वाटर कंटेंट आएगा वही क्या होगा, जैसे सपोज दैट 10% वाटर कंटेंट आता है यहाँ पर करने पर, इस ग्राफ में मिक्स करेंगे जो भी आएगा वही क्या होगी, लिक्विड लिमिट होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या प्रोसीजर है, क्या है इसमें, हमने काफी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी डिस्कस किए हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।